गाइस गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो गाइस 10 महीना पहले ये जो होम थिएटर है गाइस, इसको ऑर्डर किया गया था। ये है 10 महीना पुराना। अभी इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बनाया था उसमें बहुत काफी सारा कमेंट आया कि भाई अभी भी क्या ऐसे ही साउंड देता है, अभी भी क्या बैस ऐसा ही है, क्वालिटी जो है वो डाउन हो गया, या फिर ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहा है। और किसी किसी ने तो भाई ऐसा भी लिखा कि इसके अंदर में क्या है वो भी खोल के दिखाओ, ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना देते हैं। इसका एक कंडीशन है गाइस, ये जो पार्ट है ये पार्ट पूरा चिपका हुआ है और मैं नहीं चाहता ये खोल के डैमेज कर दूं, क्योंकि एक लौता यही एक होम थिएटर है घर में, ये डेली यूज होता है और थोड़ा सा भी खराब हो गया तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए इसका पिछवाड़ा खोलते है। और क्या बोले इसका, ये भाषा थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। इधर से खोलते हैं, इस साइड से नट है, इधर से खोलना चाहिए, इधर से क्या ही खोलेगा। इसमें तो बस एक सर्किट होगा डिस्प्ले के लिए और कुछ नहीं है। तो इधर डिस्प्ले और वो जो किट रहता है इसका, बस वही है और कुछ नहीं, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो सामने वाला पार्ट नहीं खोलेंगे, पीछे वाला पार्ट खोलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। अरे भाई मैं तो ला तो दिया था, ये देखो कहां से जुगाड़ करके ये लाया हूं। चलो कोई बात नहीं, खोलने से मतलब है। तो गाइस हाँ, मैं बहुत ज्यादा नेचुरल ब्लॉगर प्लस टेक्निकल यूट्यूबर टेक यूट्यूबर प्लस ऐसे ब्लॉग दोनों मिक्स करके जो आता है वो है हम। तो इसीलिए गाइस इस टाइप का आपको वीडियो आज मम्मी भी साथ है, आपको भी देखने के इसके अंदर क्या ये देखो क्या निकला, एक ट्रांसफार्मर, एक सर्किट और यह है हीट सिंक। ये हीट सिंक थोड़ा पतला है, मीडियम है। और इसका अंदर में कुछ ऐसा, एक सबवूफर और ये रहा उसका यंत्र हवा निकलने वाला। और यहाँ पे सिर्फ ये कनेक्शन है और इसके साथ ये कनेक्शन है, ये तो आपको पूरा उधर जा रहा है हीट की तरफ, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ तो शुरू होते ही खत्म हो गया दोस्तों। अंदर क्या तुम्हें RGB लाइट मिलेगा, तो अब इसको फिर से लगाना पड़ेगा भाई। फिर खोला क्यों, क्योंकि गाइस ये भाई साहब जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई खोल के दिखाओ इनसाइड में क्या है, क्या है, कैसा है, और ऐसा वीडियो को किसी ने बनाया नहीं है। तो एक सजेशन आया था सब्सक्राइबर की तरफ से, तो क्यों नहीं, डिमांड है तो भाई पूरा जरूर होगा। खोला गया और ऊपर से ग्लू भी चिपका हुआ था, मैं वो भी निकाल दिया। अब सोचो मैं वारंटी क्लेम नहीं करता तो ये मैं इसको खोल के कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वारंटी वाला जो सीन है अगर खुला रहा सब ऊपर क्लेम नहीं होता है, तो इसीलिए तो सील तो पहले खुल चुका था इसलिए खोल दिया, नहीं तो किसी और कोई अगर होता तो भाई वारंटी क्लेम के चक्कर में वो सील भी नहीं खोलता और दिखाता भी नहीं। क्या छोड़ो जो भी है, अब इसको लगाओ फिर से, आप ही लगाओ, तुम हो टेक्निकल जैक भाव। वाह, टेक्निकल जैक भाव। और गाइस अब इसको लगा के आपको बैस कैसा है, साउंड कैसा है वो भी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो बार बार ऐसा कमेंट आ रहा है कि भाई कैसा, अब 10 महीना बाद भी क्या सेम ही है या फिर अलग है, तो वो भी देख लेते हैं। और बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि भाई बैस अच्छा नहीं है, बैस अच्छा नहीं है, उतना खास नहीं है। तो देखो भाई सबका अपना अपना चॉइस है, टीवी का जो साउंड है उसको बस एनहांस करने के लिए बस खरीदा गया था, ऐसा नहीं कि भाई एक्सट्रीम बैस लेके एकदम पूरा DJ बना दूँ, क्लब बना दूँ घर को, उस टाइप का नहीं सोचा था मैं, एकदम डिसेंट सा प्रोडक्ट रहे, मतलब गाना सुनते समय मूवी देखते समय थोड़ा बहुत फील हो कि हाँ भाई एक साउंड सिस्टम है। तो इसलिए इसको बाय किया था और जो कि सही निकला है,
खराब तो नहीं हुआ है, अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं निकला है। और ये सब कुछ इधर लगा दिया। प्लग एक बार लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे पावर जा रही कि नहीं जा रहा। आपको इतने इंटरेस्ट क्यों लग रहा है ये सब? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं साउंड आ रहे कि नहीं। ओ अब इसको पूरा पैक करो। स्क्रू दे, स्क्रू देखो भाई क्या बड़ा बड़ा स्क्रू है। इधर वाला देखा दो, इधर वाला भी है, तो जाली है। जा तो मम्मी है। मम्मी है असली टेक यूट्यूबर। ये देखो जाली है, ये भी जाली है, ये कान है, कान खोलने समय ये नहीं लगाया और अभी लगाने समय इसका ये निकला है। वो जा रहा है। अच्छा से टाइट होगा ना, स्पीड तो दे। पीछे तो देखो, देखो तो पीछे, सामने तो देखो। हो गया ले। ये भी खोल दूं क्या? बोल अभी बोल। नहीं नहीं बोल, खोल देता हूँ। नहीं भाई। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for Steve Rogers. His app. The order of the world has changed. We are in a war. I'm going to need a great team for this mission. Deadpool ka main killer hai. Kya bol raha? Wade Wilson, the multiverse needs your help. Among heroes. Phega. Phega, bhai. Come on!
दोस्तों साउंड तो ऐसा ही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। जो आप अगर मेरा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे वहाँ पे जैसा आपको साउंड सुनने को मिला वैसे ही इस बार भी वैसे ही मिला होगा, क्योंकि चेंज नहीं है, जैसा है 10 महीना से यूज कर रहे हैं कोई चेंज नहीं है। हो सकता है वैसे। कैसे? उस बार रिकॉर्डिंग हुआ था इस फोन से। अच्छा, माइक का डिफरेंस हो सकता है। माइक का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और गाइस ये स्पीकर डेली रफली बहुत ज्यादा यूज होता है, फिर भी ऐसा साउंड सुनने को मिल रहा है, ठीक ठाक है। 3000 या 3500 पड़ा था, उस हिसाब से अच्छा मिला है। पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ऐसी ताकत कहीं तो होगी। तो गाइस डायलॉग में जो बैस वो भी भाई खतरनाक लग रहा है। अभी भी ठीक ठाक है, अभी भी सही सलामत अपनी जगह पे खड़ा है और चलता जा रहा है। मैं तो डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली ब्लॉग बनाता हूँ, और उस हिसाब से कभी कभार कुछ सामान परचेज करता हूँ तो मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना देता हूँ। तो उसी तरह इसका भी मैं बनाया था, और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। यही मेरा लास्ट वीडियो है इस स्पीकर का, और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ परचेज करूंगा होम थिएटर वगैरह तो उसका भी एक अच्छा सा अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। और ब्लूटूथ भी चेक करके दिखा देते, वो भी सेम ही है, मतलब ऑक्स और ब्लूटूथ का ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता है। फोन से कनेक्ट करो या टीवी से कनेक्ट करो वो भी सेम ही है, तो फिर भी एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा देते कि कैसा उसमें साउंड दे रहा है। तो गाइस टीवी से कनेक्ट हो गया, साउंड रखते हैं फुल। कौन है रे? कौन है? अरे दीवा छोड़ ना, ज्यादा ही साउंड नहीं लग रहा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई, उन्होंने पानसार के इस जंगल को किला बना दिया, क्या करेगा उसके साथ? में फुल साउंड में बजाया, ऑक्स में फुल साउंड में यूज नहीं कर रहा था क्योंकि भाई चारों तरफ एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा था फुल साउंड क्यों ही बजा, लेकिन भाई ब्लूटूथ में मैं लगा ही दिया, छोड़ो यार जो बोले सो बोले, ब्लूटूथ में लगा दिया और भाई क्या ही खतरनाक वैसा ही फील आ रहा था पूरा। और मूवी वूवी देखूंगा ना पूरा लगेगा सिनेमा हॉल में बैठे हैं, ऐसा बहुत सही लग रहा था। और रात को गाइस जब गाना सुनता हूँ ना एकदम कम साउंड में तो ना पूरा फील होता है बैस, उस रूम से या फिर किसी भी रूम से गाना सुनेंगे ना तो फील होगा बैस, इतना मस्त बैस है इसका, बैलेंस हो जाता है। अब देखो इसमें बटन तो नहीं है चेंज करने का ये करने का, लेकिन जो भी बैस गाने में दिया गया है उस वैसे ही बैस फील होता है पूरा, एकदम नेचुरल, ज्यादा ये नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है। तो गाइस यही था रिव्यू इस होम थिएटर का, 10 महीना बाद कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है, सब कुछ सही है। और अंदर खोल के भी देख लिया, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है, बस सर्किट और ऐसे ही रहता, और क्या ही रहेगा उसमें, पैसा थोड़ी भर के देगा कोई। और मैं अभी सोच रहा हूँ ऑक्स में नहीं लगा कर ब्लूटूथ में यूज़ करूँ ब्लूटूथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साउंड ज़्यादा लग रहा है इसका। हाँ। मतलब टीवी में जितना रखेगा उतना तेरा उसका भी साउंड रहेगा। हाँ, ऑक्स में क्या होता है थोड़ा साउंड जो है वो दब जाता है, मतलब दब जाता है, मतलब टीवी में जो फुल साउंड है उसका 50% ये जियो का जो सेटअप बॉक्स है वो कमा देता है, इसलिए ऐसा है, ऐसा साउंड सुन मतलब उतना मतलब हाई जो बढ़ाना पड़ेगा तो टीवी से भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। या नहीं तो कमाना है तो उससे कम करना पड़ेगा, अब दोनों से ही दोनों रिमोट का यूज करना पड़ेगा। हाँ। और अगर ब्लूटूथ यूज करूँ तो सिर्फ एक ही रिमोट काफी है, लेकिन बार बार को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑन होने के बाद सिर्फ ऑक्स में रहता है।
हाँ ऑक्स रहता है, ब्लूटूथ में तुझे चेंज करना पड़ेगा, ब्लूटूथ में चेंज करना पड़ेगा। अब घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है कोई, तो उन्हें ये सब को ये सब नहीं पता है ना, तो उनके लिए ऑक्स ही काफी है। टीवी का स्विच ऑन करो, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अब ब्लूटूथ कौन चेंज करेगा, लेकिन अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप अगर सुनोगे तो और भी बेहतरीन सुनने को मिलेगा। तो गाइस इस होम थिएटर का यही लास्ट वीडियो है, और वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, और क्या ही बनाऊँ वीडियो में, ये तो सब सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर अब खराब होगा कुछ फ्यूचर में, या फिर कुछ दिक्कत आ गया, तब मैं इसके ऊपर एक दो वीडियो बना देंगे, और नहीं तो नया लेंगे उसका भी वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल घर का यही इकलौता होम थिएटर है, मैं दूसरा परचेज नहीं करना चाहता। अगर मेरे को अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ पसंद आए, तो ही मैं परचेज करूंगा, नहीं तो ये अच्छा है, अच्छा खासा काम कर रहा है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये पहला होम थिएटर है गाइस हमारे ये रूम का, तो बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगा। इतना खोजने के बाद एक ठो मिला है जो अच्छा निकल के आया, नहीं तो इससे आगे मैं और एक ठो मंगवाया था, वो रिटर्न करवाया, दो बार उसको रिटर्न करवाया, बहुत दिक्कत था भाई। तो ये होम थिएटर छोटे रूम के लिए बेस्ट है, इससे एकदम बड़ा हॉल के लिए वो इतना खास आउटपुट नहीं निकाल के देगा। अभी देखो ये छोटा रूम है, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा साउंड सुनने को मिलता है। फुल साउंड करोगे तो भाई पूरा कांपने लगता है, पूरा हिलता है, बेड में सोया रहेगा तो हिलता है, पूरा फील होगा गाइस, पूरा बेस फील होगा। ऐसा नहीं कि मैं बट सॉफ्ट बेस है, वो पूरा बेस है, वो नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, गाना उस हिसाब से बेस मिलेगा। और गाइज एक वीडियो में बहुत कुछ है कवर करने को, लेकिन पता नहीं अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा क्या है क्या नहीं, और वीडियो लंबा भी होते जा रहा है। अगर कुछ मिस हो गया गाइज तो कमेंट जरूर कर देना, कि पता चले कि कहाँ कहाँ क्या 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 मिस है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो मैं पॉइंट कर लूंगा और उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा मैं तो स्क्रिप्ट नहीं बनाता, तो जो आ रहा वही बोल रहा हूँ आपसे, तो कमेंट जरूर कर लें। क्या गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।